एंसिस टैन और शिव ठाकरे को खुद बचाया है और इस बात को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जो है बिग बॉस के ऊपर काफी ज्यादा भड़क चुके हैं और बिग बॉस के ऊपर थू थू कर रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ ये लेटेस्ट अपडेट आखिरकार सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें चल रही है बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी चीजें हुई प्रोवोकिंग हुई पर सबसे पहले सब चीजें जो है स्टार्ट एंसिस टैन ने की। माँ की गाली उन्होंने पहले दी, बाप की गाली उन्होंने पहले दी, गंदी गंदी गालियां उन्होंने पहले दी। हालांकि उसका रिस्पांस जो है गाली के ही रूप में जो है शालिन देते हुए नजर आए। शालिन को मैं पसंद नहीं करती हूँ पर शालिन यहां पर एकदम सही है मेरी नजर में और हर एक सेलिब्रिटी की नजर में और जो जनता सही तरीके से देख रही है उनकी नजर में। इसी बीच में जो है वहां पर लड़ाई में शालिन थे, टीना तो थी नहीं, पर टीना की वजह से शुरू हुआ है इसीलिए कन्फेशन रूम में टीना को बुला लिया। वहां पर प्रोवोकिंग हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। अगर शालिन रोकते नहीं एंसिस टैन को तो एंसिस टैन उनके सर पे जो है जो फ्लावर पॉट रहता है वो दे मारते। वहां पर शिव ने जो है इतने गंदे से उसका मुंह पकड़ा और शालिन का मुंह पीछे कर दिया। ये चीज सब लोगों ने देखी, इवन गोहर खान ने भी इसके ऊपर रिप्लाई दिया, एक ट्वीट किया है जिसके बारे में जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। इन सब चीजों को लेकर जो है लोग भड़क चुके हैं। लोगों का कहना यह है कि भाई यहां पर शिव को भी बुलाना चाहिए था। शिव की बात आप साफ तौर पर बोल क्यों नहीं रहे हैं, शिव को आप छुपा क्यों रहे हैं? और जब शिव के ऊपर अर्चना का हुआ था तब तो आके शिव का ही फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा, निष्कासित कर दिया था। अभी शालिन के ऊपर अटैक हुआ है, टीना को क्यों बिठा दिया गया है? और जब टीना ऑलरेडी ये बाहर बोलती हुई नजर आई है कि भाई मैं शालिन को ठंडा कर रही हूं, शालिन बार बार ये बात बोल रहा है कैमरा के पास जाके कि इसको बाहर निकालो, नहीं तो मुझे बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, शिव को बाहर निकालो, तो अगर वो बार बार बोलता रहेगा तो भाई ये लोग बिग बॉस कोई गलत कोई डिसीजन ना ले ले। तो बिग बॉस ने ये सब चीज सुनने के बाद, दिखाने के बाद भी इन्हीं को कन्फेशन रूम में बुलाया और वहां पर टीना दत्ता के ही मुंह से ये फैसला सुनना चाहा, जो कि फैसला जनता को भी पता चल गया था उसी वक्त जब बिग बॉस ने बोला कि आप टीना बताइए फैसला, और उसी वक्त बिग बॉस को भी ये फैसला पता था। तो बिग बॉस ने जो है टीना के हाथ में ये फैसला इसीलिए दिया क्योंकि टीना दत्ता जो है वो एमसी स्टैन को ही बचाएगी और शिव ठाकरे के ऊपर कुछ बोलेगी नहीं क्योंकि वो वहां पर उस लड़ाई में थी ही नहीं, वो कैप्टन रूम में बैठी हुई थी और उसने ये सब चीजें देखी तक नहीं है। ये चीजें जो है सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं और ये चीजें एकदम सही बोल रहे हैं लोग क्योंकि लोगों ने बहुत ही ध्यान से ये सब चीजें देखी है और बिग बॉस जो है इनको बचाने की कोशिश कर रही है। जितनी भी लड़ाई झगड़ा या कितना भी सब चीजें सलमान खान बोल दे पर शिव ने जो किया है शिव को उसकी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि शिव ने बहुत ही बड़ा जो मतलब फिजिकल ज्यादा शिव हुए हैं। हालांकि एमसी स्टैंड को तो उन्होंने रोक लिया था पर शिव निष्कासित होने चाहिए, शिव को इस शो से बाहर होना चाहिए। ये शो का फॉर्मेट है, पहले भी जब बिग बॉस मराठी में शिव थे ना वहां पर भी उन्होंने एक बंदे को मुंह से काट लिया था। अग्रेशन तो इनमें है, अर्चना वाली बात तो इन्होंने प्लान करके की है जो कि सामने आ गई और अर्चना वापस आ गई है। बिग बॉस ने ये जानबूझ के किया है, सही बोलते हैं आप? भाई बोलिए आपके विचार। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।